दोस्तों, सीक्वल फिल्मों का दौर इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है। हर कोई निर्माता अपनी हिट फिल्मों का सीक्वल बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में निर्माता प्रियदर्शन भी अपनी फिल्म हलचल का सीक्वल बनाने वाले हैं, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। लेकिन हलचल फिल्म के इस सीक्वल में स्टार कास्ट कौन सी होगी, फिल्म की कहानी क्या होगी और फिल्म में क्या नया देखने को मिलेगा, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए इस फिल्म के सीक्वल से जुड़ी जानकारी लाए हैं। तो अगर आप भी इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही इस दमदार फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2004 में आई मूवी हलचल, जो सबको हंसाने में कामयाब रही। इस फिल्म में सुपरस्टार की स्टार कास्ट रही थी, जिसमें अमरीश पुरी, अक्षय खन्ना, करीना कपूर, परेश रावल और जैकी श्रॉफ जैसे जबरदस्त कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में दो परिवारों की दुश्मनी की कहानी को दिखाया गया था, जिनके बच्चे आपस में प्यार करने लगते हैं। सोशल ड्रामा से भरपूर इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त थी। वहीं करीना और अक्षय की केमिस्ट्री को फैमिली ड्रामा के रूप में दिखाया गया था। 100 करोड़ की लागत से बनी है फिल्म 328 करोड़ की लिस्ट में शामिल हुई थी और यह फिल्म सुपरहिट रही। करीना और अक्षय की जोड़ी हलचल के बाद दो और मूवी में देखने को मिली थी, जिसमें 36 चाइना टाउन और लव बाय चांस जैसी फिल्में शामिल है। उससे पहले दोनों को एक साथ LOC कारगिल में भी देखा गया था। इतने लंबे समय के बाद फिल्म को प्रदर्शन दोबारा इस फिल्म को बनाने वाले हैं, जिसमें अक्षय खन्ना और करीना कपूर की जोड़ी के साथ निधि अग्रवाल और रोहन मेहरा दो नए चेहरे जुड़ेंगे। वहीं अगर करीना की बात की जाए तो ये साल 2019 की फिल्म गुड न्यूज में अभिनय करते हुए नजर आए हैं और अब करीना साल 2020 की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी आमिर खान के साथ नजर आने वाली है। अगर अक्षय खन्ना की बात की जाए तो उन्होंने 2019 की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में देखा गया था। इन्हीं के साथ दो जो नए नाम जुड़ रहे हैं, निधि अग्रवाल जो कि मुन्ना माइकल फिल्म से अपना डेब्यू कर चुकी हैं और रोहन मेहरा ने साल 2013 की फिल्म सिक्सटीन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है। वो दोनों भी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हलचल 2 की। डायरेक्शन की बात की जाए तो इस बार भी प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। फिलहाल प्रियदर्शन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, ताकि पहली हलचल से ज्यादा वह इस हलचल से सभी दर्शकों का मनोरंजन कर सके। अब देखना ये रहेगा कि ये फिल्म कब रिलीज होती है। तो दोस्तों, क्या आप इस फिल्म में पुराने कलाकारों को देखना चाहते हैं या नए कलाकारों को, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।